कल सुबह आतंकवादियों के लड़ते हुए गोली मार दी पीछे से किसी ने, मेरा भाई अकेला तड़प रहा। ये पिता है जो बदहवास है, बार बार बेटी के ताबूत को देखकर रो रहा है। कमजोरी की वजह से जिस्म कांप रहा है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि अब बेटा कभी पिता कहकर नहीं पुकारेगा। ये वो पत्नी है जिसे अपने पति पर गर्व तो है, लेकिन अब फूट फूट कर रो रही है, आंखें नम हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए मोहित राठौर हर आंख को नम कर गए। देश की रक्षा के लिए बलिदान हुए सेना के जवान मोहित राठौर की शौर्य गाथा से पूरा बदायूं गूंज उठा। रविवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए हाथों में तिरंगा और पुष्प लेकर जिले के अलग अलग हिस्सों के लोग गांव तक पहुंचे। अंतिम विदाई के दौरान शहीद मोहित राठौर की पत्नी और बहनें रो रोकर बेसुध हो गईं, बदहवास हो गईं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब ये चिराग हमेशा के लिए इस दुनिया से जाकर आसमान में जा चुका है। वहीं तिरंगे में शहीद को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। वहीं पत्नी और बहन तो कई बार बेहोश तक हो गईं, लेकिन फिर परिजनों ने किसी तरह उन्हें संभाला। लेकिन फिर सैन्य सम्मान के साथ शहीद मोहित को सलामी दी गई और फिर अंतिम संस्कार हुआ। आर्मी में गया था, 1.5 साल उसकी शादी को हुई है, राजपुर रेजिमेंट दिल्ली ट्रेनिंग करी थी, उसके बाद श्रीनगर पोस्टिंग कर दी, तो 3 बार छुट्टी आया था, फिर सीधी पोस्टिंग श्रीनगर कर दी। कल सुबह आतंकवादियों से लड़ते हुए गोली मार दी पीछे से किसी ने, मेरा भाई अकेला तड़प रहा। इस दौरान पिता नत्थू सिंह राठौर ने बहादुर बेटे को कांपते हुए हाथों से मुखाग्नि दी। हजारों लोगों के साथ जनप्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारियों ने नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान क्या बड़ा और क्या छोटा, हर किसी की आंखें नम थी। और बार में हम 3-4 भाई हैं, जो 4 में हम, एक जो इनके पापा आए और 3 छोटे हैं, और जो एक भाई एक अकेले। और सूचना जो मिली कि रात के 2 बजे गोली लगी। बता दें कि बदायूं के इस्लामनगर क्षेत्र के गांव सभा नगर में बलिदानी मोहित राठौर के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। युवा हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और शहीद मोहित राठौर अमर रहे के नारे लगा रहे थे। और इस तरह इस्लामनगर से उनके गांव तक पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में मोहित राठौर शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि उनको आतंकियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद आज उनका शव उनके गांव पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।